तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें चिप्स बनाने के लिए किस तरह का आलू चाहिए। तो ये दो तरीके के आलू हैं। एक तो आप देख रहे हैं ये हल्के छिलके का आलू, जिसका छिलका की बहुत हल्का होता है, और दूसरा है ये वाला आलू जिसका कि छिलका मोटा होता है, जिसको कि हम छिलर से छीलते हैं, और ये हमारा आलू चाकू से छिल जाता है। तो हमें ये वाला आलू नहीं चाहिए जिसका हल्का छिलका है, हमें चाहिए मोटे छिलके का आलू। तो सबसे पहले जितने हमें आलूओं के चिप्स बनाने हैं उसको हम धो लेते हैं। आलूओं को धो के तैयार कर लिया है, तो सबसे पहले इन आलूओं को हम छील लेंगे, और छीलने के बाद इसको तुरंत हम पानी में डाल देंगे ताकि आलू का कलर चेंज ना हो। अब फिर से एक बर्तन में हम पानी लेंगे और उसमें लगाएंगे हम चिप्स। तो चिप्स हमें दो तरह से बनाने होते हैं। एक तो हम बनाते हैं डिजाइन वाले चिप्स, जिसको कि हम इधर से बनाते हैं, और दूसरे हम बनाते हैं प्लेन वाले। तो प्लेन वाले हम इधर से बनाते हैं। तो आज मैं आपको प्लेन बनाने बताऊंगी। थोड़ा सा पानी ऊपर लगा लेते हैं इसके, ताकि आलू हमारा अच्छे से घिस जाए। इसी तरह से बिल्कुल सीधा हाथ करके हमें इस तरह से चलाते रहना है, चिप्स हमारे बनते चले जाएंगे, और आप देखोगे कि कितने बढ़िया हमारे चिप्स निकल आएंगे, बिल्कुल पतले पतले इस तरीके से। तो हमें पानी में पहले सारे आलूओं को घिस लेना है। तो सारे आलूओं को घिसकर मैंने चिप्स बना लिए हैं। अब हमें इसको 4 से 5 बार पानी से अच्छे से धोना है। जो आलूओं से स्टार्च निकला है उसको हमें बाहर निकाल देना है। आप देखोगे कि पानी कितना गंदा निकलेगा इसका। तो इस गंदे पानी को हम फेंक देंगे और सारे आलूओं को बिल्कुल साफ कर लेंगे, जब तक कि पानी इसका बिल्कुल साफ नहीं हो जाता है। पानी साफ हो जाने के बाद अब इसको 10 मिनट के लिए हम पानी में इसी तरह से छोड़ देंगे। ऐसा करने से चिप्स हमारे बहुत हल्के और फोके बनते हैं। अब यहाँ मैंने आधा भगोना पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है, जिसमें कि हम अपने चिप्स को उबालेंगे। तो पानी हमें इतना रखना है कि चिप्स हमारे अच्छे से इसमें डिप हो जाएं। पानी बॉयल होने लगा है, अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच सेंधा नमक, ताकि हम इस चिप्स को व्रत में भी खा सकें। साथ ही इसमें डाल देंगे चिप्स, और पानी के साथ चिप्स को हम उबाल लेंगे। पहले दोनों चीज़ों को हम बॉयल होने देते हैं। चिप्स अब बॉयल होने लगे हैं, थोड़ा सा इसको चला देते हैं, और अब इसको हम जब तक पकाएंगे जब तक ये आलू हमारे थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। ऊपर जो झाग आ रहा है उसको निकाल देंगे, क्योंकि ये वही स्टार्च है जो हमारे आलूओं को चिपकाएगा आपस में। चेक करके देखते हैं, दबा कर देखेंगे कि गला है या नहीं। आलू हमारा हल्का सा प्रेस करते ही टूटने लगा है, इसका मतलब आलू हमारे उबल चुके हैं। तो अब हम इसको बंद कर देंगे। जब सारा पानी निकल जाएगा तब हम चिप्स को थोड़ी दूरी पर लगाकर सुखा लेंगे। इस तरह से एक एक अलग अलग रखेंगे, ताकि आपस में चिपके ना। कम से कम इसको 2 दिन की धूप में हम सुखा लेंगे। 2 दिन हो चुके हैं और चिप्स हमारे अच्छे से सूख चुके हैं। आप देखेंगे कि कितने अच्छे हमारे चिप्स बने हैं। इसके पीछे से आप मेरी उंगलियों को देख सकते हैं कि कितने हल्के बने हैं। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के लिए पहले तेल को हम गर्म करेंगे, उसके बाद थोड़े थोड़े चिप्स डालकर इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद अब इसमें हम डालेंगे मसाले। सबसे पहले डालेंगे लाल मिर्च, एक चुटकी काला नमक। सफ़ेद नमक हम पहले डाल चुके हैं, बस थोड़ा सा इसको टेस्ट देने के लिए हम काला नमक डालेंगे। एक चुटकी डालेंगे खटाई, 1/4 टेबलस्पून डालेंगे चाट मसाला। सबको अच्छे से टॉस कर लेंगे। ये बढ़िया से हमारे झटपटे और एकदम फोके चिप्स तैयार हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।